मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी महापौरों के साथ की बैठक, निगमों के विकास के कार्यों पर हुई चर्चा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, शोषित और दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में 20 जनवरी को हरियाणा के 19 विद्यार्थी करेंगे संवाद। पंचकुला से चयनित विद्यार्थी अक्षित प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने के लिए काफी उत्साहित। और हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में साल 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी महापौरों के साथ एक बैठक की, जिसमें निगमों के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में करनाल की महापौर रेणु बाला ने कहा कि अब नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली विभाग और अन्य विभागों से अर्जित धन से निगम का विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है कि मेयर्स को जो भी अधिकार होंगे उन्हें दिए जाएंगे, ताकि नगर निगम की एक बेहतर व्यवस्था बना सके। सभी की फाइनेंशियल कंडीशंस और इसके साथ साथ नगर निगम को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3-4 घंटे चर्चा करी, जिसमें सभी मेयर्स को, सभी कमिश्नर्स को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से अपने नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ बेहतर सुविधा हम नगर निगम के द्वारा शहरवासियों को दे सकते हैं। पानीपत की महापौर अवनीत कौर ने बताया कि बैठक में महापौर को ACR लिखने का अधिकार दिए जाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निगमों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने के लिए कहा है। निगम खर्च और विकास कार्यों के लिए धनराशि अपने आय के स्रोतों से पूरा करने के विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार अब वित्तीय रूप से मजबूत निगमों को अनुदान नहीं देगी, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर निगमों को अनुदान जारी रहेगा। बैठक का मेन जो थीम थी, एजेंडा, वो यही था कि हम लोगों ने खुद ही जनरेट करना है, अपने निगम में से फंड जो है खुद जनरेट करके उसको खुद खर्च करना है। आज के बाद कभी भी CM अनाउंसमेंट में या फिर सरकार हमें निगम में कोई ऐसा फंड नहीं देगी, इस चीज़ के ऊपर आज ये बैठक थी। और जिन जिन स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो फंड मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा, स्कीम्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। CM अनाउंसमेंट कभी नहीं होगी नगर निगम में, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही वीक सेक्शन है, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, उसमें सरकार उस चीज को हेल्प करेगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने शोषित वर्ग और दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से ही इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक 15 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्भया मामले पर कहा कि सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है, किसी को भी सजा न्याय व्यवस्था के अनुसार ही मिलेगी। तो उसके बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 5 साल में 8,000 से अधिक छोटे बड़े केंद्र, 15 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र उपलब्ध किए गए और 850 करोड़ की उस पर लागत आई, जो पहले कभी 100 करोड़ भी नहीं आता। नया 2016 में दिव्यांगजनों के लिए नया बिल लेकर आए, आज 7 की तरह 21 दिव्यांगताओं को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ देता है। उनका नौकरियों में रिजर्वेशन 3-4% किया गया है। एक मामला जुडिशरी के अधीन और एक न्याय व्यवस्था है, और किसी को भी अगर सजा मिलेगी तो न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलेगी। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी अपनी बात विभिन्न मुद्दों पर रखी।
उनके फॉर्म टेप हो रहे हैं, ये तो अंदाजा है ना जी के फॉर्म टेप हो रहे हैं। ये हमेशा से एक एलिगेशन लगता रहता है जो अपोजिशन और सरकार में लगाई है, क्योंकि उसमें एक दिक्कत आती है कि जब वो कई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसमें ऊपर किराएदार रहते हैं, प्रीपेड वाले में वो कल मकान खाली करते हैं तो मकान मालिक पे आता है, तो कोर्ट में चले जाते हैं ऐसे मामले। तो फिर अभी सोचा नहीं जा रहा है, ड्रॉप कर दिया कि बात हो। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुग्राम जिले में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें गांव बजगेड़ा में बनने वाला रेलवे ओवर ब्रिज भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जनता की शिकायतें भी सुनी। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उद्योगों में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को 75% रोजगार मिले, इसके लिए कोशिशें जारी हैं और अगले विधानसभा सत्र में रोजगार को लेकर कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के अंदर छात्रों को बस पास की व्यवस्था दी थी कि अगर कोई छात्र अपने कॉलेज जाना चाहता है गांव से तो उसको क्वार्टरली पास इशू होगा। उसी तरीके से जो भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसको भी हम बोर्ड की तरफ से एक पास मुहैया कराएंगे कि गांव से अगर मिस्त्री आता है शहर के अंदर काम करने या एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो फिर उसको हर रोज अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, उसका भी क्वार्टरली पास हम इशू करने का काम बोर्ड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से करने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को देशभर के सभी बच्चों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा के 19 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न जिलों से हुआ है। ये सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम में सीधे संवाद करेंगे, जिसमें पंचकुला के 9वीं कक्षा का छात्र अक्षित भी शामिल है। अक्षित ने बताया कि वे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे कि कुछ भारतीय परीक्षाओं को विदेशों में मान्यता क्यों नहीं दी जाती है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्सुक है और ये उनके जीवन का एक अविस्मरणीय पल है। मेरा मोदी जी से ये सवाल रहेगा कि कुछ इंडियन एग्जाम्स को फॉरेन में मान्यता नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। मैं मोदी जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये मौका मिलेगा। मेरी जिंदगी में एक अहम अवसर है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की चैंपियन विनेश फोगाट ने इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ वाल वर्डे मेले वेड्रेस को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसी के साथ विनेश फोगाट ने साल 2020 का पहला स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। विनेश सेमीफाइनल में चीन की क्यानयू पांग को 4-2 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। असम के गुवाहाटी में युवा खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया में हरियाणा ने कुश्ती में अपना दबदबा बनाए रखा है। अभी तक हरियाणा ने कुश्ती में 11 में से 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। महाराष्ट्र को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने कहा कि ये भारतीय खेलों के लिए सबसे अच्छा कदम है, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार चोपड़ा का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। पूर्व सांसद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज अंतिम सांस ली। अश्विनी चोपड़ा वर्ष 2014 में भाजपा की सीट पर करनाल लोकसभा से जीतकर संसद पहुंचे थे। 63 वर्षीय अश्विनी चोपड़ा पत्रकारिता जगत की जानी मानी हस्ती थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अश्विनी कुमार चोपड़ा को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट संदेश में लिखा है, करनाल से भाजपा के पूर्व सांसद और पंजाब केसरी दिल्ली के संपादक अश्विनी चोपड़ा जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एक कुशल राजनीतिज्ञ और सफल पत्रकार के रूप में आपका जीवन हम सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। पलवल जिले में मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है, जो मार्च 2020 तक चलेगा। जिले में अब तक मिशन इंद्रधनुष 2.0 के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। ये अभियान हर महीने के पहले सप्ताह में चलाया जाता है। मिशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने पलवल के सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने जिले में मिशन इंद्रधनुष की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत जिले में लगभग 99% बच्चों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे व गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनका टीकाकरण जल्द ही किया जाएगा। सिविल सर्जन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी हासिल करें। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि बच्चों का टीकाकरण करवाकर उन्हें 8 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है।
6 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में ये कार्यक्रम चला, जिसमें हमारे 4,292 बच्चों का हमने हेड काउंट किया था। उसमें से हमने 4,254 बच्चों को दवाई पिला के लगभग 99% हमने जो हमारा टारगेट था उसको पूरा किया। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी थी 865, उनमें से 904 महिलाओं को इंजेक्शन टेटनस का लगाकर हमने भी 114% हमने कवरेज की है। स्वयं सहायता समूह को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सौजन्य से नारनौल जिले में डीआरओ राजकुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय बैंकर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डीआरओ राजकुमार ने कहा कि समय के साथ साथ बैंकों की भूमिका में बदलाव हो रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी योजना बिना आर्थिक सहायता के पूर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि समूह के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों से आर्थिक सहायता ऋण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी का पालन और बेहतर तरीके से करें। डीआरओ राजकुमार ने कहा कि सामाजिक बदलाव में बैंक बराबर के भागीदार हैं। एनआईआरडी हैदराबाद से आए प्रशिक्षक डीडी मिश्रा और यूके मोहंती ने कहा कि यदि कोई समूह नियमों का पालन करता है तो उसके लिए कम ब्याज पर ऋण का प्रावधान है। इस बैठक में डीआरडीए से गोविंद राम शर्मा ने बताया कि जिले में नए स्वयं सहायता समूह को बनाने का कार्य किया जा रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि कोई भी किसान अपनी फसल का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करने से वंचित ना रह सके। सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर अंशद सिंह ने बताया कि ये एक लाभकारी योजना है। प्रत्येक किसान को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए और सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए उसका ब्यौरा दर्ज होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि फसल का पंजीकरण अपने निकटतम मार्केट कमेटी के कार्यालय और सरल केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर या खुद भी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकार द्वारा ये योजना इसलिए चलाई जा रही है ताकि योजनाओं का उचित लाभ किसानों को दिया जा सके। हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को अंबाला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन शाम को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम कार्यक्रम होगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता गणतंत्र दिवस पर कुरुक्षेत्र में और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गणतंत्र दिवस पर करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी प्रकार गृह मंत्री अनिल विज पंचकुला में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिरसा में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा गुरुग्राम में, विद्युत मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद में, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल फरीदाबाद में, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भिवानी में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हिसार में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पानीपत में, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक सोनीपत में और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह चरखी दादरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उनके अलावा रोहतक के मंडलायुक्त झज्जर में, फरीदाबाद के मंडलायुक्त नूह में, गुरुग्राम के मंडलायुक्त रेवाड़ी में, करनाल के मंडलायुक्त कैथल में, महेंद्रगढ़ के उपायुक्त नारनौल में, पलवल के उपायुक्त पलवल में और यमुनानगर के उपायुक्त यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी महापौरों के साथ की बैठक, निगमों के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, शोषित और दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में 20 जनवरी को हरियाणा के 19 विद्यार्थी करेंगे संवाद। पंचकुला से चयनित विद्यार्थी अक्षित प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने के लिए काफी उत्साहित। और हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में साल 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।